बोलते, कमला ये तुम्हारा भूत बंगला नहीं बल्कि ये फ्री फायर है। और इतना बोलकर बाबा कमला पर छत से छलांग लगा देते हैं। दोस्तों आज गुल्ली बुली और सोन तीनों फ्री फायर खेल रहे हैं, लेकिन आज सोन तो गुल्ली बुली को एक बार भी जीतने नहीं दे रहा। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी से उधर से सोन को घेरो। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। डबल किल। अरे ये क्या, गुल्ली और बुल्ली ने तो सोन को हरा दिया है। सोन बोलता है, तुम दोनों ने मिलकर मुझे मारा, इसीलिए तुम लोग मुझे हरा पाए, लेकिन मैं तुम लोग से एक न एक दिन बदला लेकर ही रहूंगा। तभी इन तीनों को बाहर से आवाज आती है। गुल्ली बोलता है, बाहर सब्जी बेचने वाला आया है, मुझे 1 किलो आलू खरीदना है क्योंकि मुझे आज शाम में आलू की रोटी बनानी है। सोन बोलता है, वाह गुल्ली, तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, अब जल्दी चलो बाहर, नहीं तो वो सब्जी बेचने वाला चला जाएगा। गुल्ली बुल्ली दौड़कर बाहर सब्जी खरीदने के लिए जाते हैं। आलू ले लो, कांदे ले लो। अरे ये क्या, ये आलू प्याज तो बाबा बेच रहे हैं। बुल्ली बोलता, ये क्या कर रहे हैं बाबा, ये आलू प्याज बेचना आप पर शोभा नहीं देता। बाबा बोलते, क्या करोगे बुल्ली, इस पापी पेट के लिए कमाना पड़ता है। सोन बोलता, चल बे बुड्ढे, अब 1 किलो आलू पैक कर और 1/2 किलो प्याज। गुल्ली बोलता, सोन तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो चुके हो। सोन बोलता, गुल्ली मैं तो रोज आलू प्याज बेचने वाले से ऐसे ही बात करता हूँ, पर तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि ये आलू प्याज बेचने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे प्यारे बाबा है, और तुम बाबा से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। सोन बोलता, लगता है कि ये बुड्ढा छड़ी भी बेच रहा है। बाबा बोलते हैं, ये छड़ी मुझे दे दो, ये मेरी जादुई छड़ी है। सोन बोलता, इस छड़ी से तो मैं भी जादू कर सकता हूँ। और फिर सोन जादुई छड़ी बाबा की तरफ घुमा देता है। अरे ये क्या, बाबा तो कुत्ता बन चुके हैं। गुल्ली बोलता, सोन ये तुमने क्या किया, जल्दी से बाबा को वापस ठीक करो। सोन बाबा को कुत्ता के रूप में देखकर काफी डर जाता है, और फिर सोन वापस से छड़ी घुमाता है, और फिर बाबा अपने असली रूप में आ जाते हैं। लेकिन बाबा के ठीक होने के बाद तो बाबा काफी गुस्से में है, लगता है कि सोन की आज खैर नहीं। अरे इतनी जल्दी आखिरकार सोन कहाँ चला गया? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, भाई यहाँ पे क्या हो रहा, भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? बाबा बोलते हैं, आज मैं सोन को छोड़ूंगा नहीं, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। लेकिन बाबा ने तो सोन को देख लिया है और अब सोन की खैर नहीं। बाबा ने तो सोन की मार मार की हालत खराब कर दी है। गुल्ली बोलता, बाबा आप सोन को मार कर काफी थक चुके हैं, चलिए मेरे घर में, मैं आलू की रोटी बनाने वाला हूँ, आप आलू की रोटी खाने के बाद वापस आलू प्याज बेचने के लिए चले जाइएगा। बाबा बोलते, हाँ गुल्ली ऐसी मुझे काफी जोरों की भूख लगी हुई है। और फिर गुल्ली बुल्ली और बाबा वहाँ से तीनों घर में चले जाते हैं। लेकिन बाबा ने तो अपनी जादुई छड़ी को बाहर ही छोड़ दिया है। बाबा गुल्ली बुल्ली के घर पे जाके सोफे पे लेट जाते हैं। बाबा बोलते हैं, अब जल्दी से आलू के पराठे बनाओ, मुझे काफी जोरों की भूख लगी हुई है। गुल्ली बोलता, बाबा अभी मैं बस 2 मिनट में बनाता हूँ, तब तक आप गेम खेलिए। बाबा अपना सर हिलाते हैं और फिर बाबा कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए चले जाते हैं। डबल किल। और इधर बुल्ली बाबा के लिए इंतजाम ले आता है। बाबा ये देखकर काफी खुश हो जाते हैं। और इधर सोन धीरे धीरे होश में आ रहा है। सोन बोलता है, बाबा ने मुझे मारकर अच्छा नहीं किया, और अब मैं बाबा से बदला लेकर ही रहूंगा। तभी सोन की नजर बाबा की जादुई छड़ी पर जाती है। सोन वो छड़ी को उठा लेता है और बाबा के ठेले पर जादुई से एक बहुत बड़ा बम ले आता है। अरे आखिरकार सोन ने ये बाबा के ठेले के साथ क्या कर दिया, ये देखकर तो सोन भी डर जाता है। सोन ये देखकर डर के कारण घर के अंदर चला जाता है। अंदर तो बाबा दारू पीकर पूरे टुन हो चुके हैं। गुल्ली बोलता, बाबा आपको पराठा कैसा लगा? बाबा बोलते, गुल्ली तुमने तो पराठा काफी अच्छा बनाया है, लेकिन उससे भी अच्छा ये दारू है। तभी वहाँ पर सोन आ जाता है। बाबा बोलते, क्या हुआ सोन, तुम आखिरकार इतने डरे हुए क्यों हो? गुल्ली बोलता, लगता है कि बाबा के पीटने के कारण सोन का मूड खराब है। बाबा बोलते, सोन इस बार तो मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन अब की बार तुम मेरे छड़ी का गलत इस्तेमाल मत करना,
सोन बोलता, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा बोलते, वो क्या सोन, अब तुमसे कौन सी बड़ी गलती हो गई? सोन बोलता, बाबा मैंने आपके आलू प्याज की रेडी को बम से उड़ा दिया। Oh no! तू तो गया बेटे। ये सुनकर तो बाबा का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ जाता है। बाबा के सोन को पटकने के कारण बाबा की छड़ी टूट जाती है और फिर ये सारे लोग फ्री फायर के दुनिया में चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा ये हम लोग कहाँ आ गए? बाबा बोलते हैं, लगता है कि हम लोग फ्री फायर की दुनिया में आ गए हैं और ये सब शायद मेरी छड़ी के टूटने के कारण हुआ है। लेकिन सोन तो अभी भी बेहोश है। गुल्ली बोलता, सोन अब तुम बेहोश होने का नाटक मत करो वरना तुम्हारी बाबा एक बार फिर से कुटाई कर देंगे। ये सुनकर सोन झट से उठ जाता है। बाबा बोलते हैं, ये सब तुम्हारे वजह से हुआ है सोन। सॉरी। गुल्ली बोलता, ये सब छोड़िए बाबा, जरा वहाँ पर देखिए, वहाँ पर तो भूतिया बंगला की कमला चुड़ैल है। और आखिरकार ये फ्री फायर की दुनिया में क्या कर रही है? सोन बोलता है, लगता है कि ये भी शायद फ्री फायर खेलती है। सोन बोलता है, कमला को छोड़ो, उधर देखो ग्रैनी ग्रैंडपा भी आपस में लड़ाई कर रहे हैं। बुल्ली बोलता है, कमला तो इधर ही आ रही है, हमें जल्दी से किसी घर में छिपना होगा। और फिर ये सारे लोग क्लॉक टावर के घर के अंदर दौड़कर चले जाते हैं। गुल्ली बोलता, बाबा इस फ्री फायर की दुनिया में तो सारे मॉन्स्टर फ्री फायर खेल रहे हैं और आखिरकार हम लोग इस फ्री फायर की दुनिया से बाहर कैसे निकलेंगे? बुल्ली बोलता, कहीं हम लोग जिंदगी भर के लिए तो इस फ्री फायर की दुनिया में नहीं आ गए? मुझे अपने घर जाना है। बाबा बोलते, सोन रोना बंद करो, हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, बस हम लोग को ये गेम जीतना है। गुल्ली बोलता, हाँ बाबा, और यहाँ पर तो काफी सारे हथियार भी रखे हुए हैं। बाबा बोलते, तो देर किस बात की, सारे लोग अपना अपना हथियार चुन लो। और फिर हमारे चारों योद्धा दुश्मनों की छाती में छेद करने के लिए निकल जाते हैं। सिस्टम पार देंगे, सिस्टम पार देंगे। बाबा बोलते, वो देखो जेसन भी फ्री फायर खेलता है। और वो तो बंदूक लेकर हमारी तरफ आ रहा है। सोन बोलता, बाबा तब तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। बाबा बोलते, हम लोग यहाँ भागने नहीं बल्कि मारने आए हैं, अभी देखो मैं उसे कैसे हेडशॉट देता हूँ। और फिर बाबा जेसन पर स्नाइपर तान देते हैं और जेसन के हेडशॉट लगते हैं। जेसन वहीं पर चित हो जाता है। ये देखकर गुल्ली बुल्ली सोन तीनों उछलने लगते हैं। गुल्ली बोलता, वाह बाबा आपने कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया, आपने क्या हेडशॉट मारा है। बाबा बोलते, तुम लोग चिंता मत करो, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोग कोई हाथ नहीं लगा सकता। और तुम लोग ये बात याद रखना कि मैं तुम लोग को ये गेम जिता कर यहाँ से मैं ही निकालूंगा। बुल्ली बोलता, हाँ बाबा मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है। सोन बोलता, वो देखो कमला तो इधर ही आ रही है। बाबा बोलते हैं, इसे तो मैं अपने स्टाइल में मारूंगा, सारे लोग इस घर के अंदर आ जाओ। कमला वहां पर आती है और पागल की तरह चीखने चिल्लाने लगती है। बाबा बोलते, कमला ये तुम्हारा भूत बंगला नहीं बल्कि ये फ्री फायर है। और इतना बोलकर बाबा कमला पर छत से छलांग लगा देते हैं। लेकिन ग्रैनी ग्रैंडपा ने तो गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को देख लिया है। ग्रैनी बोलती है, बुड्ढे जल्दी से ये मिशन उन लोगों पर छोड़ दो। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा का? क्या गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा इस गेम से निकल पाएंगे या फिर ग्रैनी ग्रैंडपा इन लोगों को इसी गेम में मार डालेंगे? ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये है कुछ साउट आउट जिन्हें हमारे पिछले वीडियो में कमेंट किया था। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपको साउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दें। तब तक के लिए बाय बाय।